नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैंने लिए 250 ग्राम उड़द की दाल ली है। इसे मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगोया है। अगर आप शाम को इसे बना रहे हैं तो सुबह इसे भिगो कर रखना है, अगर सुबह बना रहे हैं तो शाम को भिगोना है। दही बड़ा बनाने के लिए पहले हम दाल को मिक्सी में पीस लेते हैं। इसी में हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, दो हरी मिर्च लेंगे हम। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, हम तीखा कम खाते हैं इसीलिए हम दो मिर्च ले रहे हैं, आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें नमक। दाल के अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से हमारे बड़े फट जाएंगे। इसको हम ऐसा ही पीसेंगे। दाल को हम पीस चुके हैं, अब हम गैस ऑन करेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तब तक हम इस दाल को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं हाथों से। इस तरह से इसको अच्छी तरह फेंटना है हमें 5 मिनट के लिए। हमारी दाल अच्छी तरह फेंट चुके हैं हम। तेल को थोड़ा हम चेक कर लेते हैं ये गर्म हुआ है या नहीं। इस तरह से देखिए गर्म हो चुका है। हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। इसमें बड़े डालेंगे हम। आप बड़ों का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी ना हम सेक लेंगे अच्छी तरह अलट पलट करके और इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए इसको पलट देंगे हम। गैस की फ्लेम को हम कम ही रखेंगे, इससे ये अच्छी तरह सिक जाएंगे। लगभग 10 मिनट हो चुकी है, हमारे बड़े सिक चुके हैं, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इन्हें ठंडा करेंगे हम। साथ ही और बड़े बना के इसमें डाल देंगे हम तेल में। जब तक हमारे ये बड़े सिक रहे हैं तब तक जो पहले हमने बड़े सेक के रखे हैं इसे हम पानी में डाल देंगे, क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं। इसे 5 से
7 मिनट के लिए पानी में रखेंगे हम। ये बड़े हमारे सिक चुके हैं, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमारे बड़े भीग चुके हैं, इन्हें निचोड़ के हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। इन बड़ों को भी हम पानी में डाल देंगे। अब इस पर डालेंगे हम दही। इन पे इस पर हमने दही डाल लिया है, साथ ही डालेंगे हम इमली की चटनी। इसी के साथ डालेंगे हम हरी चटनी। ये जीरा लिया है हमने, भुना हुआ है, इस पर डाल देंगे। साथ ही डालेंगे काला नमक, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची, ये धनिया, थोड़ा सा डालेंगे हम सफ़ेद नमक। इसी पे थोड़ा सा ऐड करेंगे हम दही। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।